गुड मॉर्निंग बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग भोजन से संबंधित हम लोग पढ़ रहे थे और समझ रहे थे, ठीक है। तो भोजन में बताए थे कौन से जीव जंतु शाकाहारी हैं, कौन से मांसाहारी हैं, कौन से सर्वाहारी हैं, इसके बारे में आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुके हैं और समझा चुके हैं और लिखवा चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या सभी जीव जंतु एक ही प्रकार के भोजन करते हैं। तो आप लोग को बताए थे कि सभी जीव जंतु जो होते हैं अलग अलग विभिन्न प्रकार की भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। जैसे शेर हो गया, तो शेर हो गया तो शेर जो है कभी भी खाएगा तो मांस खा सकता है या घास नहीं खा सकता, ठीक है। जैसे मनुष्य हो गया, मनुष्य में जैसे कोई प्राणी ये क्या करेंगे, मनुष्य ये भोजन ग्रहण कर सकते हैं या जो है घास ग्रहण नहीं कर सकते, समझ रहे। तो विभिन्न जीव जंतु जो होते हैं अपना अपना अलग प्रकार के भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे कि नहीं, सभी जीव जंतु एक ही प्रकार का नहीं, सभी जीव जंतु एक ही प्रकार का भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, ठीक है। नहीं सभी जीव जंतु एक ही प्रकार का भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, ठीक है। सभी सभी जीव जंतु अलग अलग प्रकार के सभी जीव जंतु अलग अलग प्रकार के भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि सभी जीव जंतु जो है एक ही प्रकार के भोजन ग्रहण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज हो गया। उसके बाद हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर जानेंगे। देखिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है कि चार पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए उनके कौन कौन से भाग उपयोग हम लोग भोजन में करते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है चार पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए उनके कौन से भाग का उपयोग हम भोजन में करते हैं, ठीक है। विभिन्न प्रकार के कौन कौन से चार पौधे हैं जो उन
उसका जो है भाग उपयोग किया जाता है। हम लोग इसमें हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट में हम लोग लिखेंगे जैसे क्या चीज हो जाएगा, जैसे मटर जो होता है इसका कौन कौन से भाग उपयोग किया जाता है इसके बारे में हमको लिखना है, ठीक है। तो मटर का जो है फर्स्ट नंबर में देखिएगा कि इसका साग, मटर का साग उपयोग किया जाता है। उसके बाद जो है दूसरा चीज जो है सब्जी, सब्जी भी इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा चीज है दाल तथा सत्तू, ठीक है, मटर का सत्तू भी उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग जानेंगे दूसरा जो पौधा है चना, चना का कौन कौन से भाग उपयोग किया जाता है। तो चना का जो है इसका साग भी उपयोग किया जाता है, क्या लिखेंगे हम लोग साग। उसके बाद जो है इसको सब्जी में भी डाला जाता है, उसके बाद इसका दाल भी बनता है तथा सत्तू इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा जो है सरसों, इसका कौन कौन सा भाग जो है उपयोग किया जाता है इसके बारे में हमको लिखेंगे। जैसे सरसों का साग आप लोग खाएंगे, उसके बाद से जो है सरसों के इसके जो दाने होते हैं इससे क्या की इससे तेल की भी प्राप्ति किया जाता है। उसके बाद जो है तथा मसाला, इसका मसाला में भी उपयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग जान चुके और समझ चुके। उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट चौथा नंबर इसमें जानेंगे, रोमन का चौथा नंबर में। इसको आप लोग केयर के कॉपी में विस्तार पूर्वक बना लीजिएगा, ठीक है। और जिनके पास बुक नहीं है बुक भी ले लीजिएगा आप लोग। चौथा नंबर में हो जाएगा जैसे आप लोग देखे होंगे मक्का या मकई देखे होंगे अपने घरों में, इसका जो है कौन कौन सा भाग उपयोग किया जाता है। तो इसका जो है भट्टू के रूप में भी उपयोग किया जाता है। और दूसरा चीज भुजा के रूप में उपयोग किया जाता है। उसके बाद इसका भात बनता है, उसके बाद सत्तू, उसके बाद रोटी, ये सब जो है मकई का जो है इसका जो है उपयोग भाग है, ठीक है। भट्टू के रूप में उपयोग किया जाता है और भुजिया के उपयोग में भी किया जाता है। इसका मकई का भात भी बनता है, उसके बाद सत्तू तथा रोटी इसका जो है उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग विस्तार पूर्वक भी बना लीजिएगा। इसके आगे कोई कल आप विस्तार पूर्वक जानेंगे और समझेंगे।